जगह नहीं ठहरांगा, नाम लेते ही ब्यास वापस चला जावांगा। मोतीराम ने हट धर्मी की थी, कहा अच्छा महाराज जी मैं ब्यास आके सत्संग सुन लवांगा, लेकिन इस नाम जरूर बख्श दे। बाबा जी ने टांगा मंगवा लिया और बिस्तर बन के उस बीच रख लिया। इधर नाम दिता उधर टांगे सवार होके इसके सामने पहुंच गए और ब्यास में चल पे। रस्ते बीच इतफाकन लुधियाने के स्टेशन से मैनू मिले। मैं अर्ज की थी हजूर मेरा पिंड महमा सिंह वाला मेरा पिंड महमा सिंह वाला नजदीक दर्शन देते जाओ, पर मान लगे कि तुसी इस एतवार नू नहीं आना और मैं इस वक्त भी नहीं उतरांगा, क्योंकि मेरा कायदा सी कि जब छुट्टी आना हर एतवार नू सत्संग लई डेरे आ जाना। बाबा जी आम तौर पर ताकीद किया करते कि घर का काम काज नहीं करते, डेरे न सौंदे। मैं ख्याल किया कि शायद इसी कारण यह हुक्म दिता है। जब बाबा जी महाराज डेरे पहुंचे तो इस कदर जोरदार बुखार हो गया कि थले का सा थले और ऊपर का ऊपर। बहुत सख्त तकलीफ हुई। बीबी रुको और कुछ सत्संगिया ने दवा खान ली अच की। आपने फरमाया अजय 11-12 दिन असी कोई दवा नहीं खावे। बीबी रोन लग गई। आपने फरमाया बीबी अजय असी जाते नहीं, तू फिक्र न कर। बीबी रुको विधवा सी और आपकी सेवा बिच रहा करती सी। 12 दिनों के बाद बुखार कुछ कट गया। जब मैं अगले इतवार 15 दिन पिछों डेरे पहुंचा का पता लगा तो अर्ज की महाराज जी आपने मैनु आन की रोक दिता, अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुसा तो बर्दाश्त नहीं होना सी, इसलिए मैं टाल दिता सी। मैं कहा बाबा जी असल कारण ये सी, पर मान लगे कि तेनु हजम नहीं होगा। मैं इकरार किया कि तुहाडी जिंदगी विच किसे नु नहीं दसांगा। इसते बाबा जी ने फरमाया पक्का इकरार करो। मैं जवाब दिता जी हाँ पक्का इकरार है। बाबा जी ने फरमाया हुकम सिंह नु काल ने सत जन्म दत्ते तव्या ते पावना से उसके कर्म सानू सिर ते झुकने पे। इसते मालूम हो सकता है कि ये कोई मुश्किल गल नहीं। लोग खातिर तवज्जा भी करन लग जाते ने, दुनिया भी जस भी हो जाता है, लेकिन जीव की संभाल करनी सख्त जिम्मेवारी है। बेफिक्र नहीं होंगे। धनी धर्मदास 14 करोड़ रुपए का मालक सी। पिछले जन्म का कबीर साहब दे कबीर साहब का संस्कारी जीवन पूजा कर रहा है। कबीर साहब ने आके कोल बह गए। जब ठाकरा की पूजा कर चुकया तो कबीर साहब कह लगे कि लारा जी ये जो वड़े वड़े हैं छोटे छिकाक हुई धर्मदास गुस्से नाल बोलिया वो मलेछा ये तो मेरे ठाकर हैं। कबीर साहब ने कहा तू ये दस कि कभी बोले हैं। धर्मदास ने कहा कि बोले तो ठीक कदे भी नहीं। कबीर साहब अपनी गल करके चले गए। हूँ धर्मदास सोचन लगा कि मैं इन्नी मुदत इन्हों की पूजा करता रहा सचमुच ये बोले तो कभी नहीं। वो साधु सच कहता एक बारी धर्मदास लकड़ियाँ धो के रोटी पका रहा सी। माता आमना उन्होंने सामने खड़ी सी। कबीर जी साधु रूप में उठे आके कह लगे कि धर्मदास तुम बड़े पापी हो। माता अपने पति की बेइज्जती ना सह सकी, झट कह लगी मेरा पति क्यों पापी तुम पापी हो। कबीर जी ने कहा जिहड़ी लकड़ी चूल्हे विच जल रही है उन्होंने तोड़ के देख। आम इन्ना आके कबीर साहब गायब हो गए। जब धर्मदास ने लकड़ी तोड़ी तो सारे छोटे छोटे कीड़ों नाल भरी हुई सी। धर्मदास नूं सोच पै गई तो माता आमना नाल लड़न लगा कि जे तू साधु नाल झगड़ा ना कर दियो तो मैं उहदे पासों उपदेश लैंदा। वह साधु अंतरयामी सी जिहनूं लकड़ियां विच कीड़ों का पता सी। हुण इस्त्रियां दी आदत इस्त्रियां दी आदत सिफत उन्हें स्त्रियों की यह सिफत है कि वह अपने ते इल्जाम नहीं लेंदी। माता अन्ना आखन लगी गुड़ ते मक्खियां बहुत तेरे पास काफ़ी धन है, जग कर साधु आ जाएंगे। मैं धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए पर कबीर साहब ना आए। हालांकि कबीर साहब काशी में ही रहते सन।
फिर गया विच कई जग कीते मगर कबीर साहब फिर भी ना आए। आखिर जो थोड़ा बहुत रुपया रह गया सी वो सारा मद्रा विच जग ते ला दिता। कबीर जी हुण भी ना आए। जब सब रुपया खत्म हो गया और साधु दा दर्शन भी ना होया तो धर्मदास ने सोचा कि चलो हुण गंगा विच डुब के मर जाना ही ठीक है। शर्म घाट ते गया, उत्थे बहुत आदमी देखे, समझिया जे इत्थे डुब्या तो लोग फड़ लैणगे। फिर कंढे कंढे तुरिया तुर पिया। आखिर थोड़ी दूर गया तो देखा कि कबीर साहब बैठे हुए हैं, रो के चरणा ते डिग पिया। महाराज मैं तुहाडे वास्ते आ कीता वो कीता मगर तुसी ना मिले। हुण कबीर जी ने फरमाया कि जे मैं तेरे कोल आउंदा ते तू कह दो कि मेरे तन नूं देख के आया है। और माता आमना ने कहा सी कि गुड़ ते मिठियां बहुत, हुण तू फिक्र ना कर, मैं तैनूं वो तन देंगा जिहदा जिहदा सारा ब्रह्मांड भी खा जाए ते मुके ना। फिर फरमाया कि मैं तेरे पिछे अठां जन्मां तो लग्या होया हाँ अठां जन्मां तो लग्या होया हाँ, एक बारी मैं तेरा पुत्र भी बनया, पर पुत्र भावना पुत्र भाव होण करके तैनूं विश्वास ना होया। हुण तू पिछे ते मैं तेरा गुरू, हुण तेरा काम जरूर हो जाएगा। संत जीवां दे पिछे कितनी तकलीफ उठाते ने, तन मन धन सब सौ गुर को हुकम सुन। पुत्र संत सिमरता होंगे। एक मस्त एक ग्राम गया, उत्थे एक शख्स ने जिसके घर औलाद नहीं सी होंगी, फकीर को दरखास्त की कि साईं जी कुछ रहम करो। साईं जी कहा कि अच्छा मैं किसी तरीज का बंदोबस्त कराँगा या कितों प्राप्त कराँगा दूसरे तीसरे रोज़। फिर मेल होया, उस वक्त मौसम बहार सी, देखा बुल रही सन। वो उस जगह से खड़ा सी कि जिते दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे सन। फकीर ने उधर नज़र करके लिख दिता कि सिंह पई गुजार देखा बुली। दो चीज़ों का कोई आपको भी कंसर्न नहीं है, कोई तुकड़ी कोई ग्राम है तवीज ले जाए और अपनी औरत दे बाजू नाल बांध दे, तेरे दो पुत्र होंगे। ऐसा ही होया। एक दिन एक काजी साहब उन्होंने मेहमान हुए, गलां गलां में तवीज की बात बाबत जिक्र छिड़ गया कि फकीर के तवीज नाल दो लड़के पैदा हो गए। काजी साहब बोले कि लियाओ देखिए तो सही कि कहड़ा इसमें आलम है। काजी साहब का ख्याल सी कि कोई बड़ा भारी इसमें आदम होगा। जब खोल के देखा तो इस विच लिखा हुआ सी कि छिंज पई गुदार टेका बोलियां। काजी कहन लगा कि फकीर तेरे नाल मुखौल कीता है, ना ये कलमा है ना कोई इसमें आदम है, ये तो मामूली लिखा हुआ है कि छिंज पई गुदार टेका बोलियां। उसने कागज फेंक दिता, फेंक फांक दिता। जब थोड़े अरसे बाद फकीर उधर दी गुजरिया तो कहन लग्या बाबा तू साडे नाल अच्छा मखौल किया, बच्चे ते खुदा ने दिते और तू ये की लिख दिता कि छिंज पई गुजार देखा बोलियां। फकीर बोलिया अच्छा नहीं बोलियां दे ना सही झगड़ा कहदा। इन्ना कह के वो तो चला गया और उस शख्स के दोनों लड़के मर गए। नाम की कमाई गोण का फल
मैं एक कहानी याद आ गई। जब मैं कोहमरी सा, मैं एक ग्राम गया, उत्थे थाना नवा बनया सी। मैं उतों का बिल चैक करने वास्ते गया सी। उन्हें मैं एक चुबारा दे दिता। उस चुबारे के हेठ एक समाध बनी हुई सी। चुबारा बड़ा हवादार सी। जब रात में मैं उत्थे सुता, मैं पूछा ये समाध किसकी है, तो वह कह लगे कि यह बाबा कला की है। उन्होंने हिस्टरी कुछ इस तरह बयान की कि बाबा कला कमाई वाला साधु सी, भजन सिमरन करता सी और इंडिया सिद्धियां वाला सी। उत्थे औरतां मर्द पशु चारदे सन। हुण पहाड़ी इलाका सी, कदे कदे उच्ची पहाड़ी तो जब लोग पशुओं को लै जाते तो डिग पैंदे और मर जाते सन। चुनांचे एक औरत दी मही फड़न लगी तो उस रौला पा दिता कि बचाई बाबा कल्या, मेरी मैं नूं बचाई। मही बच गई। जब मही बच गई तो वह औरत चुपचाप उन्हों लैके अपने घर में चल पे। जब बाबे कले की कुटिया को लंघी तो कहता है कि जिस मही बचाई है वो हूँ बात नहीं पुछती। होंदे होंदे लोगों को पता लग गया कि फलानी औरत की मही बाबे कले ने बचाई है। बाबे कले ने कुछ गाइया रखी हुई सन। उस पहाड़ी से छोटे मोटे शेर होर खूंखार जानवर रहते सन। एक दिन एक शेर ने उन्हें गाइया से हमला किया कि गाइया मार दी मर गई। लोगों ने कहा बाबा तेरिया गाइया शेर ने मार दिता है। कहता है कि मेरिया गाइया रात को आपे आ जाएगियां, जब शाम हुई तो उसे ही तवज्जा दे के पुकारदा है कि दुरू दुरू। उस वक्त गाइया आ गई और वो शेर मर गया। इस वाक्य को सुन के उसकी बड़ी चर्चा हुई, मगर जब मौत आई तो बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि जिहड़ी कमाई सी वो खर्च कर दिती। हुण पुछा चुप रहिंदा सी कि कोहदा भरपाई की, जो हमेशा चुप रहिंदा सी। जिहड़े कमाई वाले महात्मा हुंदे ने वो हमेशा मालक की रज़ा ते राजी रहिंदे हन। वो कहिंदे ने जो उहदी मौत, सो जब उहदा भरपाई आया तो कहिंदा है कि तैनूं कौन कहिंदा सी कि मैया जवाब बंदूकां चला तू कमाई खर्च कर दिती, तो जिन्ना इन चुपचाप रखो फायदा है। बरांडा माड़ा जा आसे खेरे तो आसे हम एकदम कर दे एकदम आ जाने हैं।
ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ लाल लाइट आ गई बिच हूँ चली जाए लाल तो आई नहीं थले वाले पास लाल है नी ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖਦੇ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਕੀ ਬਾਰਾਂ ਚੌਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਰੀਲ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਬਸ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ 257 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ 257 ਹੋਰ ਪੁੱਛਾ ਲਓ ਕੱਪੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੱਪੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਲੀ ਮਾਏ
अमृतसर वो आखा अगे ना कुछ हो गया ठीक देख लो हाँ हाँ जी चलो भाई बोलो दयाल सेती मेरी माई दसो भाई तू ना बोली हाँ ये देखी मतलब है बस है?
सिमरन करते रहेंगे तो आप अपने आप दयाल हो जाओगे। दयाल एक शक्ति है सतपुरुष जी कहने नहीं। काला दयाल दयाल सतपुरुष ना तलका वो ना तलका हम मतलब की कटे कोई बेचारी वाणी मतलब ज्ञानी ने कटे हुए देखे ज्ञानी ने अर्थ देखे ने बहुत है ना बोले अगर हाँ बाणी का ही समझना औखा है काल और दयाल है हाँ दयाल से हाँ जी ओहो मन बुद्धि के कम तो पाया गोचर इन अखन देखे नहीं जाता इन अखन की आवाज सुनी जाती है अगम गोचर लख लिखण तो परे है वो तक जी है वो साड़ी चिंता करो लै जाओ अपने घर है बाणी समझनी बड़ी औखी है हाँ जी Yeah.
पता ही लगता की है। अच्छा आ पासा हाँ डंडा जा और चमकता जा हाँ ऐ ता हाँ वो तो ले जाए नहीं नहीं इधर चमकता इधर ता चमकता नहीं वो तो ऊपर चमक पंजी होगी हाँ उन बंदे पड़ गए उन क्या हट गए लैंड पंजी में अच्छा चांज बोल फरीद जी पाऊगा हुक्म मन के बैठो चाहे मन लगे ना लगे कोशिश करो करो अपने आप जाना धंधा बस उधर हुक्म मनना ही पाजना है फिर आपके धंधा बजाना हम बैठाओ जरूर हाँ हाँ जी हाँ प्रार्थना पूरी नहीं होती क्यों है क्यों कूल नहीं होती ऐसी हालत में जब हम सुनते हैं कि हमारा मालिक अति दयावान है फिर भी देखने में आता है कि हमारी कोई प्रार्थना कबूल नहीं होती इसका कारण ये है कि हम सच्चे दिल से उसके सेवक नहीं बने हाँ, अच्छा और ना ही सच्चे बच्चे बड़े हैं हमारा चंचल मन सारा दिन इधर उधर दौड़ता भागता रहता है दिन में हम हजारों मांगे मांगते हैं जिन पर यदि गौर किया जाए तो काफी मांगे एक दूसरे के खिलाफ होती हैं सुबह कुछ मांगता है दोपहरे कुछ मांगता है शाम कुछ मांगता है और ख्याल बदलते रहते हैं क्या है क्या हो लगता है एड्डा सारा
ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਐਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਹਮੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੀ ਔਰ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਆਗੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੋਤੇ ਹੈ उस मालिक को हमारी सही आवश्यकताओं की सब खबर है वह मालिक हमारी भलाई चाहता है ये बोल दा हां कर बोल दा इतने अब बिचना नहीं बोल दा आओ हां बक्सा बोल रहा है बक्सा बोल दा हां जी बोल हां जी बच्चा यदि मां से जहर मांगे तो वो कभी नहीं देती क्योंकि उसके नह देने में भी भलाई होती है हम तन मन की लज्जतों में फंसे पड़े हैं तथा वे चीज़ें मांग लेते हैं जो हमें भोगों में ज़्यादा लीन करती हैं इस तरह हमारे पाप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम मालिक के रास्ते से बहुत दूर भटक जाते हैं ईसाइयों की पुस्तकों में आया है कि यदि तुम कुछ मांगते हो और वह तुम्हें नहीं मिलता उसका कारण ये है कि तुमने गलत दुआ मांगी है क्योंकि तुम भोगों में खर्च करना चाहते हो इंसान सृष्टि की मशीन का एक पुर्जा है इसलिए हमारा संबंध दूसरे पुर्जों के साथ भी है हमारी इच्छाओं का प्रभाव सारी दुनिया के साथ संबंध रखता है हमारी सीमित निगाह अपने आप से और आसपास के संबंधों से परे नहीं जाती मालिक की नज़र सब सृष्टि पर है वह आदि और अंत का जानने वाला है और सब उचित इच्छाओं को जानता है उदाहरण के तौर पर एक तरफ शहर के लोग सख्त गर्मी से बेचैन होकर बरसात के लिए प्रार्थना करते हैं दूसरी तरफ गांव के लोग अपने फसलों के लिए सख्त धूप के लिए प्रार्थना करते हैं सारी फसल पक जाए वो की करे काले वाले तो इतने बोलो भाई मालिक इन दोनों विरोधी प्रार्थनाओं में से उसको मंजूर करता है जिसमें ज़्यादा भलाई और बेहतरी हो ऐसे हालत को देखकर सच्चे साधु और संत मालिक से वही चीज़ें मांगते हैं जिनसे मालिक जिसमें मालिक खुद भलाई समझे वे अपनी अकल और चतुराई को छोड़ ही देते हैं और मालिक की रजा में राजी रहते हैं महात्मा रविदास जी प्रार्थना करते हैं नाथ कछु न जानो मन माया के हाथ बिकानो नजामी साहब दुआ करते हैं मेरे शुभ चिंतक मुझे उस रास्ते पर चला जिससे मेरा दिल भलाई की तरफ हो जाए ऐसा रास्ता मेरे सामने रख कि आखिरकार तुम खुश हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए यही गुरु अर्जन साहब अपने मन को समझाते हुए प्रार्थना का ढंग सिखाते हैं कि ऐ मन तुम अति नम्रता और दीनता से निमाना होकर बिल्कुल गरीब बनकर मालिक के आगे प्रार्थना कर कि मैं अति नीच हूँ अपने भले बुरे की मुझे पहचान नहीं तुम वह काम करवा कि मैं तुझे अच्छा लगने लग जाऊं मन जी अपने पर पाओ नीचो नीच नीच अति नाना कोई गरीब बुलाओ सतगुरु की इच्छा के अधीन रहना ही अच्छा है बस जो पावे तो राख लो आखरे नतीजा आखरे नतीजा तो हाँ चलो बस हाँ ऐद पशु नारे संतो मूल ऐद पशु नारा Thank you.
फिरी जाने सिमरन करके अंदर जाना फिर कुछ हाथ लाना कोई पंड पढ़ाने से हो गए तेरे हो गए तेरे गया कोई तीर्थ से बरता दे बस हाँ चीज अंदर है फिर तब बाहर है तो मेन चीज ठीक फकीर मिल जाए सिमरन करे बस पाना में क्या रखा हाँ करना ये असली भगती है बस बाकी सब थले दिए जन्म दे मंदर नहीं छड़ाऊंगी सुरगन चला जाओ होर सुख हो जाएंगे तो लोकी राज मिल जाए लेकिन जन्म दे मंदर नहीं छोड़ दे है हाँ हाँ पैसे देने तन देने शिवकार के ख्याल ने ऐश्वास देने ये कहते सारे एवें ही ने व्यापार बार लेता मिट्टी पालन देने होर की है शिवकार वास्ते ने कोई कोई बच्चे काशी पीते ने हाँ कोई कोई लौंग सुपारी सब इसे फंसे बैठे ने हाँ हाँ Yeah.
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹਨ ਕੌਣ ਛਿੜੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹਾਏ ਠੀਕ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਛਿੜਨਗੇ ਸੰਤ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੜਫਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਟੱਕਰ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਲੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੰਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਜਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਜਨਮ ਲੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਠ ਜਨਮ ਬੋਲੋ ਵੇ ਕਬੀਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਠ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, पढ़ते हुए।